पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के थराली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अनिल बलूनी आज सुबह 11 बजे लगभग थराली पहुंचे। बेतालेश्वर महादेव मंदिर के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बलूनी ने मुख्य बाजार भैरव मार्केट स्टेट बैंक तक स्थानीय लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की तथा इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल रैली का आयोजन भी किया गया। जनता को मकान दिया, राशन दिया, पानी दिया, बिजली दिया, वॉशरूम दिया, उससे 400 पार का 450 पार होने की उम्मीद है। उत्तराखंड को एक विकसित भारत बनाने के लिए जी, एक गढ़वाल को विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए, गढ़वाल को विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए हम सब लोगों का एजेंडा है। हम चाहते हैं केवल और केवल इस चुनाव में विकास के ऊपर बात हो, युवाओं के रोजगार के ऊपर बात हो और अच्छी सुविधाएं देने पर बात हो, लेकिन विपक्ष तो महमे की राजनीति करना चाहता है और हम केवल यहाँ के लोगों के जन कल्याण की बात। रुड़की के आवास विकास कॉलोनी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूजा अर्चना के बाद गृह प्रवेश किया है। गृह प्रवेश के मौके पर देखा जाए तो उन्होंने लोकसभा चुनावी बिगुल भी रुड़की से बजा दिया है। गृह प्रवेश के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बार हरिद्वार लोकसभा में जनता का अपार समर्थन व प्यार मिल रहा है। 5 लाख वोट से ऊपर जीत कर वे ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। समाज के विविध संगठनों के लोग हैं, समाज के विविध वर्गों के लोग हैं, मैं सबसे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। मूल मंत्र इस बार हरिद्वार लोकसभा के लिए ये है कि अब की बार 5 लाख पार। इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है? बिल्कुल, इसके लिए रणनीति बनी हुई है, उस पर हम काम कर रहे हैं। कैसा लगा रुड़की में कार्यकर्ता की भीड़ देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो उनमें जो ऊर्जा है, वो मेरी ऊर्जा को दुगुणित कर रही है। कांग्रेस में हरिद्वार व नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों का पेंच फंसा हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश की हरिद्वार व नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित होने की संभावना जताई जा रही थी। इससे पहले प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने भी प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन अभी प्रत्याशियों पर फैसला अटका हुआ है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 1 से 2 दिनों में दोनों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा। जो हमारी बैठकें हैं वो सीसी भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहाँ बता चुके कि मैं क्या चाहता हूँ, यशपाल जी क्या चाहते हैं या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पर पॉजिटिव और निगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज 1-2 दिन में ये चीज़ें हो जाएंगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी है। इसके साथ ही मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी लगातार अभियान चला रही है। साथ ही अब बुजुर्ग मतदाताओं के आशीर्वाद के साथ भाजपा अपने प्रचार प्रसार का शंखनाद करने जा रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के मोदी जी भी जहां जहां जाते हैं वो भी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के कामों को प्रारंभ करते हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने ये तय किया कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनके घर घर जाकर के उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और उनका आशीर्वाद पार्टी की विजय के लिए लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां टिहरी लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत 5 लोगों ने 6 नामांकन पत्र लिए हैं, लेकिन जमा किसी ने भी नहीं करवाया है।
आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में सुबह 11 बजे से शुरू हुई। सुरक्षा के लिए नामांकन कक्ष के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। 3 बजे का समय है और 27 तारीख तक आके नॉमिनेशन दिए जा सकते हैं। इसके अंदर 3 दिन, क्योंकि सार्वजनिक अवकाश है, उन 3 दिन को छोड़ के सभी दिन में आके 11 से 3 बजे पर कोई भी आके अपना नाम। धारा 144 लगाई हुई है और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारी हैंडबुक है कि जो अंदर नॉमिनेशन पेपर देने के लिए 1+4 जो कैंडिडेट और उनके साथ 4 लोग आ सकते हैं और जो अंदर का जो प्रोटोकॉल है वो क्लियरली मेंशन है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं वोटिंग से पहले बीजेपी अपने अंतिम दौर के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, जिन्हें बीजेपी ने 2 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है, उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। कि जब चुनाव आते हैं तो हमारी टीम वेल ऑयल मशीन की जैसे काम करती है। हम ऑलरेडी धरातल पर रहते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं और जो रणनीति इस बार भी हमारी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी केंद्र ने 10 साल में उपलब्धियां हासिल करी हैं, जो प्रदेश ने पिछले 2 साल के लगभग कार्यकाल में जो अपनी उपलब्धियां हासिल करी हैं उन तो जनता तक कैसे पहुंचाना है, कैसे वोटरों को जो कि 100% मन बना चुके हैं कि वो माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे, उनको कैसे बूथ तक लाना है, कैसे अपने बूथ में कार्यकर्ताओं को चुनाव तक सक्रिय रखना है, ये हमारी कोशिश है। इस बार हम कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं अपना रहे हैं, हम चुनाव के लिए 5 साल की तैयारी कर रहे हैं और लगातार उसका फल जो है हमको जून में जब काउंटिंग होगी इसमें देखने को मिलेगा। सामाजिक कार्यकर्ता ललित मोहन जोशी ने देहरादून स्थित अपने आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। होली मिलन कार्यक्रम के दौरान कुमाऊनी, खड़ी एवं बैठली होली का आयोजन किया गया। दरअसल देश में ब्रिज के बाद सबसे ज्यादा होली उत्तराखंड की प्रसिद्ध मानी जाती है। बैठ की होली यानी होली बैठकर गाई जाती है और खड़ी होली जो कि खड़े होकर सामूहिक नृत्य के साथ गाई जाती है। एकादशी के दिन में होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज से जो होली की धूम है वो और बढ़ जाती है। होली तो हमारे विशेष रूप से कुमाऊँ में बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और आज हमारे वहाँ रंगमंच की टीम पहुँची है ढोल दमक मशकबीन के साथ। पूरी बैठक होली, खड़ी होली, कुमाऊनी होली, झोड़े चाचरी, सब महिला पुरुष मिलके इसको सेलिब्रेट करते हैं और होली का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोग मिलके सारे मतभेदों को मनभेदों को मिला के एक मंच पे आते हैं और मैं पूरे प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूँ।